उधर नोएडा एसटीएफ और हापुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 75 लाख की विदेशी सिगरेट पकड़ी गई है। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। 30,000 सिगरेट की डिब्बी से भरा कैंटर बरामद हुआ है। तो इंडोनेशिया से ये सिगरेट लाई जा रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नोएडा एसटीएफ और हापुड़ पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसटीएफ नोएडा तथा थाना पिलखुआ की संयुक्त कार्रवाई में आज 12 अक्टूबर को सुबह 4:30 बजे रामा मेडिकल के पास वासु फार्म के सामने 10 टायरा ट्रक से 30,200 प्रतिबंधित तथा अवैध सिगरेट के पैकेट्स बरामद किए गए हैं। ये सिगरेट के पैकेट्स 3 ब्रांड के हैं और कोरिया इंडोनेशिया से संबंधित मेड है इनकी। ये कुल 75,80,000 कीमत के सिगरेट पैकेट्स हैं। इनके साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, रवि जो कि संभल का रहने वाला है और मुजम्मिल जो कि बुलंदशहर का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है।